अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए तकरीबन रात को रिकॉर्ड कर रहा था। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि काइंडली आप भी लाइव आ जाएं, तो मैंने सोचा कि लाइव आने से बेहतर है कि आप लोगों को एक वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव सी बना के शेयर कर दी जाए और उसमें गाइडलाइन भी दे दी जाए और समझा भी दिया जाए। तो ये इस वीडियो स्पेशली जो है कराची वालों के लिए मैंने बनाई है, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं काइंडली इस वीडियो को देखें, क्योंकि मे भी हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए। तो इस पर मैं आप लोगों से दो बातें करूँगा। एक तो समंदरी तूफ़ान जो इस वक्त बेपरवाह मौजूदा सूरत हाल इसकी किस तरह की है, और सेकंड ये कि कराची में कितना इफ़ेक्ट कर सकता है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पहले जो समंदरी तूफ़ान आते थे उनकी डायरेक्शन जो थी ये होती थी जून के महीने में बैरियर पे, ये इंडिया की कोस्ट की तरफ बनते थे, और ज़्यादातर उसका फ्लो जो होता था ओमान की तरफ होता था। लेकिन जब से ताऊती तूफ़ान आया तो समंदरी तूफ़ान की एक तो अरेबियन सी के ऊपर क्वांटिटी भी बढ़ ली है और इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ ली है, और ये रीकर कर रहे हैं गुजरात की तरफ ना। तो रीज़न इसका ये है कि क्लाइमेटिक चेंज है और ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की एक वीडियो मैंने आप लोगों को जो है बना के दी भी थी, जिन लोगों ने चेक नहीं है तो आर्काइव में आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। तो बात करते हैं तूफ़ान बेपरजॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा मैं आप लोगों को तूफ़ान का एक खाका बता देता हूँ। तूफ़ान में देखें जो होता है, एक तो उसमें तूफ़ान की आई होती है, सेकेंड उसका रेन के स्पायरल बैंड होते हैं, और तीसरी हवा इसके साथ होती है। आई जो होती है ये सेंटर का हिस्सा होता है और इसका डायमीटर तकरीबन 10 से 50 किलोमीटर होता है, और ये क्लेम एरिया होता है। यहाँ पर ना तो बारिश हो रही होती है ना हवा होती है। जब पहले के लोग थे ना तूफ़ान में ज़्यादा हलाकतें होती थी, उसकी वजह ये होती थी कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अब तो अवेयरनेस आप लोगों को गूगल से भी मिल जाती है, मोबाइल से भी मिल जाती है, इंटरनेट से भी मिल जाती है। तो पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था कि समंदर में तूफ़ान आया हुआ है, तो वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हो जाती थी, डेथ्स हो जाती थी। होता ही था कि जिस तरह आप लोगों को इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, दो हिस्से, पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये है। तो पहले हिस्से की बारिश हो जाती थी, फिर ये जब आ जाती थी आई, तो लोग बाहर निकल आते थे, वो समझते थे तूफान थम गया। लेकिन उसके बाद फिर बारिश हो जाती थी, तो कैजुअलिटी जो होती थी ना वो इस वजह से होती थी। तो ये बताने का मकसद है कि समंदरी तूफानों को समझने के लिए उसका स्ट्रक्चर तो समझें वो किस तरह का दिखता है। तो ये इस तरह का आप लोगों को दिख रहा है, और इसके अंदर आप लोगों को मैंने सैटेलाइट इमेज दिखाई है, ये ब्राउन सी इसकी आई है, और ये जो बादल हैं अगर आप लोग देखें तो ये स्पायरल की तरह है ना, स्पायरल शेप में। अच्छा, जो स्पायरल इसकी आँख से करीब होता है, आई से करीब होता है, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आगे चल के आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि इस स्पायरल का क्या फ़ायदा है। तो इस वक्त जो बेपर जो है समंदरी तूफ़ान है, इसकी जो करंट अपडेट जो रात को मैंने ली थी तकरीबन 11 बजे, और ये 320 किलोमीटर पोरबंदर से दूर था, 330 किलोमीटर ये द्वारका से दूर था, 390 किलोमीटर ये जदु पोर्ट से, ये इंडियन की कोई स्टेट है या उनकी पोर्ट है, उससे दूर था, और 400 किलोमीटर जो था ये नलिया से था, कराची से 540 किलोमीटर दूर था। कल शाम 4 बजे मैंने जो थी पिक्चर ली थी। अच्छा, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ना तकरीबन 2 बजे रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये पिक्चर में आप लोग सीरस क्लाउड देख रहे हैं। सीरस क्लाउड इस तरह के होते हैं, जो मेरी ऑडियंस पहले से मेरे साथ है उनको वो सीरस क्लाउड का आइडिया है। सीरस क्लाउड मैं कराची वालों को पहले भी समझा चुका हूँ। तो ये बेसिकली इंडिकेटर होता है किसी भी सिस्टम को बता रहा होता है कि सिस्टम जो है लाइन अप हुआ हुआ है और ये आपके एरिया में अप्रोच कर रहा है। तो डिफरेंट किस्म के क्लाउड्स हैं, और बेसिकली सीरस क्लाउड इनकी हाइट काफ़ी होती है ना, तो इसके पीछे होते हैं फिर वो थंडर क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो फिर कभी आप लोगों से बात करूँगा। तो ये शाम को मैंने जो था एक क्लिप लिया था मगरिब से पहले, तो इसमें आप लोगों को ये चला के दिखाता हूँ कि शाम को मगरिब से पहले कराची में इस तरह का मौसम हुआ था, लाल लाल बादल दिख रहे थे। तो ये लाल बादल बेसिकली डराने, आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये बताना है कि सिस्टम इस तरीके से अप्रोच कर रहा होता है।
चाहे वो मानसून का सिस्टम हो, चाहे वो सर्दियों का, या इवन तूफान का, तो सिस्टम की अप्रोचनेस इस तरह से पता चलती है कि सिस्टम अब आ रहा है। ये काफ़ी हाइट के ऊपर क्लाउड होते हैं, इसके बाद जो होते हैं फिर थंडर क्लाउड होते हैं। अब इस पिक्चर में मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ तूफान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये करंट इमेज है, तो रात को तकरीबन मैंने 1:30 बजे के करीब ली थी, और इसका रेफरेंस मैंने कोट कर दिया windy.com के ऊपर से। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि क्लाउड जो है अरेबियन सी के ऊपर काफ़ी हैं, और ये कैटेगरी 2 कैटेगरी का साइक्लोन है, और इसमें आप लोग देखें काफ़ी ज़्यादा कवर किया हुआ है। गुजरात की तरफ काफ़ी ज़्यादा थंडर सेल बढ़ाया हुआ है, जहाँ पे बारिश हो रही थी। इवन पाकिस्तान में केटी बंतर के एरिया के ऊपर आप लोगों को न्यूज़ पे मिला होगा कि यहाँ पे भी बारिश की एक्टिविटी हुई है। तो याद रखिएगा कि बारिश और हवा डिपेंड करती है साइक्लोन की कैटेगरी पे। साइक्लोन की जो कैटेगरी होती है 1 से 5 तक होती है, ठीक। तो ये वेपर जो है, जो जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये जब लैंडफॉल करेगा तो इसकी कैटेगरी जो है वो 1 के ऊपर हो सकती है, 1 या 2 के ऊपर। वो डिपेंड करता है आने वाले दिनों में कि कितनी इसके अंदर इंटेंसिफिकेशन, वैसे तो अब उम्मीद तो नहीं है कि इंटेंसिफिकेशन हो, लेकिन ये जो लैंडफॉल करेगा वो मे बी 1 और 2 के ऊपर करेगा। बात करते हैं बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को, कराची वालों को मैं स्पेशली बताऊं कि जो साइक्लोन की राइट साइड होती है ना, दिस वन इज राइट साइड, ये वाली साइड, ठीक है, ये राइट साइड, और ये साइक्लोन की लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड। हमेशा याद रखिएगा कि जो साइक्लोन की राइट साइड होती है ना, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। जिस तरीके से आपको ये इस एरिया पे बारिश ज़्यादा दिख रही है, ओमान के एरिया पे आप लोगों को देखें, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे कच्छ, रन ऑफ कच्छ का एरिया, या धवार का, या गुजरात के एरिया में बारिश ज़्यादा नहीं दिख रही। तो आप लोगों को बताने का मकसद है कि राइट साइड के ऊपर बारिश जो होती है ना, किसी भी साइक्लोन के ऊपर, वो बारिश ज़्यादा होती है। जिस तरह अभी म्यांमार में आया था ना मौका, तो म्यांमार की कोस्ट को काफ़ी ज़्यादा उसमें बारिश थी। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी साइक्लोन होता है, उसकी राइट साइड के ऊपर जो है ना, बारिश हमें ज़्यादा मिलेगी। अब ये तूफ़ान जो चलता हुआ आ रहा है अरेबियन सी से, वो इसकी डायरेक्शन जो है, अगर मैं आप लोगों को नीले से दिखाऊं तो इस तरह आएगा, ये इस तरह चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, ये चलता हुआ आ रहा है, और ये रिकर्व करके रन ऑफ कच्छ के एरिया में इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, जो कि इसके करंट मॉडल अब ज़्यादातर शो कर रहे हैं। पहले GFS का मॉडल जो था वो शो कर रहा था कि वो जो है नॉर्थ की तरफ जाएगा और इस तरह एरिया की तरफ जो है अप्रोच करेगा। तो अब जो जितने भी मॉडल हैं वो जो है वो ये शो कर रहे हैं कि वो ये वाला साइक्लोन जो है अब रन ऑफ कच्छ के एरिया के ऊपर जो है इस एरिया के ऊपर लैंडफॉल करेगा। तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि ये चल रहा है, तो इसकी चलते हुए राइट साइड ये वाली होगी ना, तूफान की राइट साइड आप लोगों को ये वाली होगी। तो राइट साइड पे आप क्लाउड का फ्लो देखें और बादल देखें, काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताने के लिए था, आप लोगों को नॉलेज देने के लिए था। अब ये रिकव अगर इस तरीके से करेगा तो बारिश किस इलाके में ज़्यादा होगी, इस इलाके में ज़्यादा होगी ना, है ना, एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया, ठीक, एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया में बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी इस इलाके में हमें देखने को मिलेगी। बात करते हैं कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें कराची में अगर ये ठट्टा बनीन के रास्ते से एंटर होता है, ठट्टा के रास्ते से एंटर होता है, ठीक है, तो इसका जो ट्रैक होगा ना, और ठट्टा बनीन के रास्ते से, और इसकी जो क्लाउड की जो बाउंड्री होगी ना, वो कुछ इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि वो फूल सा बना हुआ है, उन्होंने बैलून शेप किया हुआ है इस तरह का। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इतने एरिया को कवर करेगी रेन। अब रेन का समझाने का मकसद, ये बैलून का समझाने का मकसद ही होता है कि इसमें ये होती है सेंटर पे आई। अब ये आई जहाँ एंट्री करेगी ना, उसके साथ फ़र्ज़ करें अगर ये नंबर 1 बैंड आ गया, ये वाला बैंड आ गया, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 बैंड है, ठीक है, नंबर 2 और ये नंबर 3 बैंड। आई के नज़दीक नंबर 1 बैंड जो होगा
वो ज़्यादा रेनफॉल करेगा, जिसको टॉरेंशियल रेनफॉल कहते हैं, और आप लोग उसको हैवी रेनफॉल भी बोलते हैं, यानी कि मूसलाधार बारिश। तो ये ठट्टा बदी इन केटी बंदर के साहिल पे मूसलाधार बारिश होगी। और फर्ज करें अगर कराची में लैंडफॉल के ऊपर जो है ये आई जो है इसकी आई से दूर होती है, और फर्ज करें आप लोगों को कराची के ऊपर ये वाला बैंड मिल गया तीसरा वाला, तो आप लोग क्या कहोगे? भाई आप लोग तो इतना बोल रहे थे बारिश बारिश होगी, लेकिन कराची में हवा चली, बारिश नहीं हुई। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं लैंडफॉल और नज़दीक आते वक्त ये कितना आई कराची से दूर है। तो ये आप लोगों को बताने के लिए है। तो बहुत सारी न्यूज़ पे आ रही होंगी इन चैनल्स के ऊपर कि मे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो, मे भी बारिश ना हो, तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं। लेकिन जो मैंने आप लोगों को ये ऑथेंटिक पिक्चर्स के थ्रू समझाया, समझाने का मकसद ये है कि जितना नज़दीक इस आई से बैंड होगा उतनी बारिश के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि मूसलाधार बारिश। जितना आई से ये दूर होगा बैंड, उतने बारिश के जो हैं, ज़्यादा बारिश के नहीं लेकिन कम बारिश के चांसेस होते हैं, लेकिन हवा आप लोगों को पता है वो लैंडफॉल के ऊपर होगी, और हवा बढ़ेगी वो आप लोगों को बता भी रहे हैं, क्योंकि स्टॉर्म्स की जो ना कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी 1 से लेकर 5 तक, और इसमें विंड भी होती हैं, डिफरेंट होती है। 5 वाले की जो सुपर साइक्लोन होता है उसकी विंड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी 1, लेकिन है ये भी तूफान। और जो बारिश की क्वांटिटी है ना, कैटेगरी 1 के तूफान में 50 से 75 मिलीमीटर होती है 24 से 36 आवर के अंदर, और अगर कैटेगरी 3 से 5 तक होता है उसकी अप्रॉक्सीमेट 200 से 225 तक, 225 तक रेनफॉल जो है वो चली जाती है। तो ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये स्लाइड मैंने पहले भी शेयर की है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो न्यू ऑडियंस है मेरी, जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है। अब कराची में डिपेंड करता है कि बारिश का जो बैंड के ऊपर होगा कि कौन सा बैंड कराची के ऊपर एंट्री करता है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि राइट साइड के ऊपर ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। ये आप लोगों को मीडिया पे इवन किसी चैनल के ऊपर नहीं बताया जा रहा होगा कि राइट साइड के ऊपर ज़्यादा बारिश होगी। बाकी ये कि वेट एंड सी करें और एहतियात करें। इवैक्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बताऊं, इवैक्यूएट जो करवा रहे हैं ठट्टा बदीन को, इसलिए करवा रहे हैं, जो साइक्लोन होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है रेन, वेंट और स्टॉर्म सर्च जिसको बोलते हैं, ठीक है। रेन और वेंट जो होती हैं दोनों अगर साथ हो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं, ठीक। लेकिन स्टॉर्म सर्च जो होती है, स्टॉर्म सर्च जो मेरी पुरानी ऑडियंस है उनको पता है, वो समंदर का पानी होता है जो कि लैंड के ऊपर आ जाता है, ठीक है, उसको स्टॉर्म सर्च बोलते हैं। और ये जो आई है ना, ये पूरा डिस्टेंस ये साइक्लोन का, ये पूरा ये लैंडफॉल जब करता है तो ये लैंडफॉल के ऊपर कम से कम जो है ना 4 से 5 घंटे जो है ना ये लैंडफॉल के ऊपर लेता है। ये पूरा सिस्टम असल में ही देखें, पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। मैं इसको बैरी बेड़ा बोलता हूँ, समुद्री का जो ऊपर जो जहाज चलते हैं ना, बैरी बेड़ा उतना ही बड़ा होता है। अब जो विंड शेयर होती है इसको जो है, जो समुद्री तूफान को जो फायदे में होती हैं उसके, एक होती है सी सरफेस टेम्परेचर जो कि इस वक्त 30 से 32 तक है, और दूसरा होती है गर्मी, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं कराची में जो गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, दिन के वक्त टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसको उसको फ़ायदा दे रहे हैं। और जो तूफान के लॉस में बात जाती है वो होती है क्रॉस विंड शील्ड। क्रॉस विंड शील्ड में होती है कि आप लोग ये समझ लें कि एक आसमान के ऊपर, एक ऊंचाई के ऊपर जो हवाएं चल रही होती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और ये आप लोगों को समझाने के लिए। वो क्या करती हैं, जेट स्ट्रीम बोला जाता है उनको ना, जेट स्ट्रीम। वो क्या करती हैं, ये क्लाउड का जो टॉप होता है ना इसको कट डाउन करने लगती हैं, काटने लगती हैं। जब ये हवा चलेगी तो हवा हाई होगी ना, हाई टाइड होगी तो बादल को हटा देगी, क्योंकि हवा जो फ्लो करती है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगी। जब वो ऊपर की हवा तेज़ हवा होगी तो बादल को तो हटाएगी ना, तो इससे क्या होगा, जो साइक्लोन होगा वो वीक होता चला आएगा। तो अब ये चेक करना पड़ेगा, जैसे ये साइक्लोन करीब आता है
अपर एरिया के ऊपर इसको विंड किस तरह की मिलती है, लेकिन जो चांसेस हैं हम ये कैटेगरी 4 में भी 2 के ऊपर लैंडफॉल करें, और इसके ऊपर अब कोई ज़्यादा चेंजेस ऐसा होती भी नज़र नहीं आ रही इस साइक्लोन के ऊपर। बाकी आप लोग देख लें कि काफ़ी बड़ा जो है ये साइक्लोन जो इस वक्त अभी मौजूद है, और इसका ये जो डायमीटर होता है ना, ये पूरा ये लेंथ साइक्लोन की कवर जो करता है, ये 150 से 1000 किलोमीटर तक बादल होता है, इसके क्लाउड्स होते हैं। और कराची का जो साहिल है ना, पहले भी मैं बता चुका हूँ, वो 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अब डिपेंड करता है कि कराची में बारिश कब से होती है। वैसे तो जो है महकमा मौसमियात वाले ने 14, 15, 16 तक से बोला है 17 तक बारिश होगी, और हवा जो है आप लोगों को पता है भिन्न तेज़ होगी। तो लेट्स सी के सारा जो गेम होगा बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आई के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नज़दीक से ये जाता है। अगर ये ठट्टा से गया तो कराची के कोस्टल एरियाज को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। याद रखिएगा कि जितने भी ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं, साइक्लोन होते हैं, ये जो होते हैं इनका इम्पेक्ट ज़्यादातर जो आ रहा होता है ये कोस्टल एरियाज के ऊपर ज़्यादा आता है। तो ये आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करना था। मैंने कोशिश किया कि कराची के जो लोग हैं उन लोगों को ये वीडियो बना के शेयर की जाए, और करंट कंडीशन जो भी होगी उसकी वीडियो मैं आप लोगों को 3 बजे तक जो है शेयर कर दूंगा। बाकी वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ इट्स ओके। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।